हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है बांस और ये बम्बू का जो ऑफिस, एक बड़ा ऑफिस बना है और काफ़ी खूबसूरती है। और आप लोग वीडियो शुरू के स्टार्टिंग में देखा ही है कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और ये है बर्तन माँजने वाला जूट, स्टील जूट, सॉरी, ये है जूट बर्तन माँजने वाला है, पर इसे हम लोग बाँस को धुलाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे चलिए पैकेट को फाड़ लिया और पानी लगेगा। इसे इंग्लिश में वाटर भी बोलते हैं, पर इंग्लिश मुझे उतना खास सही नहीं है। तो चलिए इसे पानी से इसे पूरा भिगो देना है, फुला देना है, ताकि फूल जाएगा तो इसका जितना गंदगी है सही तरीक़ा से निकल जाएगा। तो सारा बांस को साफ़ा करना है और साफा वाफा करके उसके बाद से इससे पॉलिश का काम होगा। तो चलिए हम लोग इसे फटाफट साफा वाफा कर लेते हैं। और साफा वाफा कर लेने के बाद से उसके बाद से आगे क्या क्या प्रोसेसर होता है और इसमें क्या मटेरियल क्या क्या यूज किया हुआ है, तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा जानकारी और डिटेल्स में मिल जाएगा। वीडियो पे आप बने रहे और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, चलिए इसे फटाफट घुसाई कर लेते हैं। तो घुसाई का काम ख़त्म हो चुका और सारा इसको मैंने घुसाई कर लिया। पूरा वीडियो देखाने से काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ताकि मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा है और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। और ऊपर जो सेलिंग देख रहे हैं ये भी चटाई बांस का ही है, इसमें सारा काम हुआ है बांस का ही काम हुआ है। काफ़ी दिन काफ़ी समय लगा है इसे बनाने के लिए और मुझे इसमें पॉलिश का काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है चलिए इस वीडियो में आप लोग को हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें टिकिया, इसको टिकिया मैंने लाया था मार्केट से और इसे गला लिया हूँ। और गला लेने के बाद से मुझे एक ही बार एक कलर में डाला होगा, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा बाद में। अलग मैंने कलर कम कम बनाने से अलग हो जाएगा। ये है येल्लो मिट्टी, एशियन पेंट का, जो एशियन का नहीं है, ये है एशियन पैक्लो है स्टीनर। तो हम इस दाने को टिकिया के ऊपर निकाल लिया पूरा और काम करेंगे इसमें ब्रश से, हैंड से का हाथ से काम करने से क्या होगा कि हाथ में वो जो उसका खोपचारी उपचारी होता है, मेरे कुछ भी होता है उसका जो किलोल होता है लग सकता है हाथ उसमें, तो इसे हम लोग ब्रश से करेंगे। और ब्रश से करने के बाद से क्या होगा कि दो कोट भी आसानी से तरीके से हो जाएगा। तो इसमें पीला मिट्टी मैंने एक ही पैकेट डाला है, ठीक है, एक पैकेट डेढ़ पैकेट जैसा डाला है। और इसमें हमें वेक्लो स्टीनर डालना है, सॉरी बोलने नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं ये है बांस का कलर। तो चलिए फटाफट इसे हम लोग कलर कर लेते हैं। कलर कर लेने के बाद से, और ये बगल में आप जो देख रहे हैं इसको एक सैंपल दिया था मैंने, जिनका है ऑफिस उनको मैंने एक सैंपल दिया था। और सेलिंग में मुझे पुडिंग का काम करना है, तो आप जो देख रहे हैं ज्वाइन है ये सारा ज्वाइन, तो इसमें हमें पुडिंग करना है। तो हमें पुडिंग हमने लाया है वुड फिलर पुडिंग, तो ये देख रहे हैं वुड फिलर डाबा है पुडिंग, जो ये हार्ड होता है काफ़ी और इससे पुडिंग करने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसे हम वाइट वाइट वाला है ये, ठीक है, वाइट वाला भी मिलेगा आपको, बहुत सारा कलर, तीन चार कलर का, पांच कलर का ये पुटिंग आता है। तो इसमें हमको येल्लो मिट्टी मिला है, पीला मिट्टी, ठीक है। तो इसे चलिए हम लोग फटाफट मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद उस सेलिंग में भरना है जो ज्वाइन देख रहे थे, तो उसका जो देख रहे हैं ज्वाइन, तो मैंने पुटिंग बना दिया है, वीडियो करना भूल गया। तो चलिए इसे हम लोग प्यू है एक ग्लोसी, तो पॉलिश वॉलिश सारा करके पुडिंग शडिंग कर दिया है और इस पर कुछ हमको करना नहीं है। सीलर का भी काम नहीं करना है। सीलर का काम करने से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा और पपड़ी बनने का ज़्यादा चांस हो जाएगा, तो निकलने लगेगा। तो इस पर हमें हल्का ही हल्का काम करना होगा। तो प्यू का ढक्कन खुल चुका है ग्लोसी का। और नेक्स्ट वीडियो, किसी वीडियो में आप लोग बोले थे कि प्यू का कैसे मिक्स किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, तो अब सेम प्रोसेस इसमें आसान है, कोई टेंशन नहीं है मिक्स करने के लिए। तो चलिए, तो इसमें मुझे 2 लीटर ही बनाना था, तो 2 हार्डनर डाल दिया और 2 लीटर के जैसा अंदाज से इसमें निकाल लिया। और ग्लोसी कभी भी फ्रेंड्स बनाइएगा तो उसमें ज़्यादा थिनर का प्रयोग मत कीजिएगा। ज़्यादा थिनर का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा कि उसमें माल लटकने का ज़्यादा चांस हो जाता है, जो झूलने लगता है। तो आप उसमें कम थिनर डालिएगा तो माल नहीं लटक सकता है। और एक बात है, इसमें जो कंप्लेन एक मैं बता रहा हूँ, कभी भी प्यू ग्लोसी मारिएगा तो स्टीनर मत उपयोग कीजिएगा आप लोग,
इससे क्या होता है कि थोड़ा सा शाइनिंग डाउन हो जाता है, पर हमें जिनका काम कर रहे हैं वो हमें बोले हैं कि थोड़ा सा शाइनिंग कम चाहिए, तो हमने चलो ठीक है डाल दिया इसमें। तो आप लोग ऐसा कभी भी गलती ना करें। तो ये जो आप सेलिंग देख रहे हैं, पहले सेलिंग स्टार्टिंग कर लेते हैं, और इसमें इतना गैस इतना धुला पड़ रहा है ना कि जो कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग से सॉरी, और ठीक है आप लोग से कुछ ख़राब मत पाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम फटाफट सेलिंग को मार लेते हैं। बस सेलिंग का ही आप लोग को ग्लोसी करते हुए सीन दिखाना सकते हैं, कैसे कि इसमें कैमरा लेकर घुसना, मोबाइल लेकर घुसना दिकदारी था, इसलिए कि इतना धूल और इतना मैंने गैस इसमें बन जाता है ना, गैस निकल लेगा कहीं से भी चांस नहीं था। तो आप लोग कभी भी अंदर में ऐसा ग्लोसी करें तो अपने नाक कान मुँह सब ढक ले, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसका जो गैस है और ये सब ना जाए अपना, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इससे सतर्क से काम करें, नहीं तो अंदर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसे हम सेलिंग का काम कर लेते हैं, और उसके बाद से आप लोग को पूरा वीडियो करके मैं दिखा दूँगा किस तरीके से ओपन।